Welcome back, everyone. I'm Dr. Shiv, a motivational and spiritual speaker and medicine teacher. So today's topic is really gonna be very motivational one. So आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक सेंटेंस से शुरू करना चाहूंगा मैं, जीने नहीं आया हूं जीतने आया हूं। और जिन्होंने ये सेंटेंस कहा है उनका नाम है डॉक्टर ए वेलुमनी, जो थायरोकेयर के चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं। तो आज हम इस वीडियो में कैसे करने वाले हैं, मैं आज इस वीडियो में दो पार्ट लूंगा। पहले पार्ट में हम बात करेंगे डॉक्टर ए वेलुमनी के बारे में, शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे, और सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कि उन्हीं के दिए हुए चार ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे हर एक युवा अपने लाइफ को नया मोड़ दे सकता है। वो युवा भी हों, एडल्ट्स भी हों, कोई भी व्यक्ति जो काम करने योग्य है वो अपने लाइफ को एक नई दिशा दे सकता है केवल उन चार पॉइंट से। सो गाइज, मैं पहला पार्ट लेता हूँ कि डॉक्टर ए वेलुमनी तमिलनाडु स्टेट में पैदा हुए, वहीं पढ़े। उनका परिवार बहुत ही नॉर्मल था, उनकी माँ भैंस, दो भैंस थी, और दूध बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया। तो डॉक्टर वेनुमली ने क्या किया, वेलुमनी ने, कि उन्होंने अपनी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सोचा मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो वो मुंबई आ गए। उन्होंने मुंबई में रेलवे स्टेशन में कई रातें वहीं गुजारी, क्योंकि उनके पास केवल 500 रुपए थे और बहुत ही मतलब उनकी हालत ख़राब थी उस समय। तो एक ऐसे शख्स जो 500 रुपए लेके आए थे, आज वो बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन के आधार पर 2016 में वो 149th richest मैन इन इंडिया बने। तो मतलब 500 रुपए लेके मुंबई आना और 149th richest पर्सन बनने का सफ़र अपने आप में एक बहुत ही मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, और वही मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो उनका और ऐसा था कि उन्होंने गवर्नमेंट में सर्विस की, 14-15 साल वहीं लगे रहे, और इसके बाद उन्होंने ये थायरोकेयर का फाउंडेशन किया। तो ये रहा उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आप थायरोकेयर के बारे में जानते ही होंगे और इनकी बायोग्राफी भी आप विकिपीडिया वगैरह में पढ़ सकते हैं। मेरा मुद्दा है वो चार पॉइंट जो मैं सेकेंड पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, कि डॉक्टर ए वेनुमली के अगर वो चार पॉइंट कोई भी युवा, कोई भी वयस्क, कोई भी एडल्ट अगर वो समझ जाता है तो उसकी लाइफ वहीं से कन्वर्ट हो सकती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वो पॉइंट। पॉइंट नंबर वन, जो मैंने पहले ही बोला, जीने नहीं आया हूँ जीतने आया हूँ। इस सेंटेंस के पीछे का एटीट्यूड जो है वो हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखा सकता है अगर हम समझ गए इसको। जस्ट फॉलो नहीं करना हमें, उसे समझ के अप्लाई करना लाइफ में। कि जीना तो देखो सब जी रहे हैं, सब नौकरी कर रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं, लेकिन वो पोजीशन नहीं पहुंच पा रहे, उनके अंदर ये एटीट्यूड ही नहीं आ रहा कि वो सिर्फ जीने में लगे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, और वही फंसे पड़े हैं दुनियादारी में। तो इनका पहला ही पॉइंट ये बता रहा है कि जीने नहीं आया हूँ जीतने आया हूँ। मतलब उनके अंदर जीतने की एक बहुत अंदर से एक भूख है। वो सब, जो भी इंसान सक्सेस होता है तो ये भूख बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी ये भूख मेंटेन करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला, इफ यू डू व्हाट यू हैव लर्न, इफ यू डू व्हाट यू आर स्टडीड, यू विल सर्वाइव, बट इफ यू डू व्हाट यू हैवंट स्टडीड देन यू विल बी द लीडर। इसका कहने का मतलब ये है मेरा, सिंपल मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में, कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आप जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो कर पा रहे हो तो आप क्या हो, सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन अगर आप स्कूल में बिना पढ़ी हुई चीजें कर रहे हो, मतलब आप अपना बुद्धि लगा रहे हो, आप सोच रहे हो समथिंग, तो आप ना एक नए लीडर की तरह उभर के आओगे। क्योंकि यही हो रहा है आजकल, कि आप स्कूल में देख रहे होंगे, कॉलेजेस में देख रहे होंगे, कि हमें कुछ नया करते हैं तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता है। सब वही चीज़ें रटो, वही वाइवा, वही एग्ज़ाम, वही रिपीटेड क्वेश्चन, वही बर्डन कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, तो हम उसी पढ़ाई में दब के रह जाते हैं। हम कुछ भी इनोवेटिव नहीं सोचते हैं,
इसलिए हम वहीं के वहीं दब जाते हैं। तो डॉक्टर ए वेनु मनी के ये सेंटेंस से हमें ये समझ में आता है कि अगर आप स्कूल की चीजों में जो पढ़ रहे हो तो आप सरवाइव कर पाओगे, अगर जो आप बिना पढ़ी हुई चीजें आप कर रहे हो तो आप लीड करोगे। बहुत गहरा शब्द है, सेंटेंस है, इसे बहुत अच्छे समझिएगा। और थर्ड पॉइंट है, विदाउट रिस्किंग यू जस्ट कैन नेवर अचीवर। इसको मैं हिंदी समझाऊं कि अगर आप रिस्क लेने से डर रहे हो, या आप रिस्क नहीं ले पा रहे हो, या आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो आप अचीवर नहीं बन सकते हो। जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, ये सरकारी नौकरी में थे, 15 साल काम किया, अब इन्हें जो वो भूख थी कि जीतने आया हूँ, तो इन्होंने क्या लिया, रिस्क लिया। अगर वो रिस्क नहीं लेते, नौकरी नहीं छोड़ते, तो आज ये थायरोकेयर आपको, ये जो डायग्नोस्टिक कंपनी है, तो आपको नहीं दिखती। इतना बड़ा टर्नओवर करोड़ों का है, 125 करोड़ कितना तो इनका कैश है, टर्नओवर मेंटेन्ड, तो इतनी बड़ी है, विदाउट रिस्क लिए ये नहीं पहुंच पाते। तो ये रहा पॉइंट नंबर थर्ड। नाउ लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फोर, डॉक्टर ए वेनुमनी ने कहा कि विच स्कूल यू स्टडी इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज हाउ डू यू स्टडी। ये बहुत ही गहरा एक सीख दिया है उन्होंने कि ये मैटर नहीं करता है कि आप कितनी बड़ी और कितनी अच्छी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। जैसा आपका बोध होगी, जैसा आप समझ के पढ़ रहे हो, आप उस मुकाम में पहुंचोगे। स्कूल कॉलेजेस आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकते हैं, आपको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, आप कैसे उन चीजों को लर्न करके समझ रहे हो, वो आपको वो चीजें आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। सो गाइज, ये रहे चार पॉइंट। अगर आप इन्हें समझ जाते हैं तो देर नहीं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप सक्सेस की ओर बढ़ जाओगे। सो गाइज, दिस वीडियो इज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर यूथ्स। इस तरह की वीडियोस हमारे यूथ को बहुत जरूरी हैं, तो आप जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज शेयर करो, बच्चों को, एडल्ट्स को शेयर करो, कि निराश ना हो, जहां भी हो अपने फॉल्ट्स को समझो और आगे बढ़ते रहो। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर